किसका होगा तेलंगाना। नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। वैसे उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है और अब साउथ में बीजेपी को उम्मीद अब दिखाई दे रही है कि तेलंगाना में कैसे हम जीत का परचम लहराएंगे। आज के दिन इस शो के जरिए तेलंगाना के हर एक जमीनी हकीकत के बारे में हम आपको बताएंगे। रितेश मिश्रा कांग्रेस के नेता, राहुल लाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार होंगे, आलोक वस्त्र नेता बीजेपी के, प्रोफेसर रोशन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो आज चर्चा करेंगे हमारे शो में कि आखिर तेलंगाना में वाकई में किसकी पकड़ मजबूत है। वैसे यार से एक महीने पहले के हालात थोड़े अलग थे। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में हमारी लड़ाई केसीआर से होगी सीधे तौर पर, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद इस समय कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस को अब ऐसा लग रहा है कि हमारी वापसी हो जाएगी। हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से तेलंगाना में कई बार दूसरे नंबर की पार्टी रही है। हाँ, लेकिन बीजेपी को भी कम आंकना शायद कांग्रेस और केसीआर के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है। विधानसभा चुनाव में बेशक सन 2018 में बीजेपी ने एक सीटें क्यों ना जीती हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां पर कमाल किया था। आज के दिन तेलंगाना के आखिर जमीनी मुद्दे क्या हैं, वहां पर कौन से नेता की पकड़ मजबूत है और आखिर बीजेपी ने किस पर भरोसा किया है तेलंगाना में, किसको दी है जिम्मेदारी, सब कुछ आप जानेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सियासत की मानो जैसे अपनी एक अलग ही जुबान होती है, वैसे ही उसका अपना एक गणित भी होता है। बदलते वक्त में हर एक राज्य महत्वपूर्ण हो चला है। बीजेपी के लिए दक्षिण का दुर्ग कहे जाने वाले कर्नाटक में मिली हार के बाद पार्टी तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में जीत दर्ज करना चाहती है। वहीं 10 सालों से सत्ता में काबिज केसीआर अभी भी क्षेत्रीय शत्रप का दम्भ भर रहे हैं। कर्नाटक में कमाल के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब तेलंगाना में परचम बुलंद करना चाहती है। दूसरी तरफ अकलियत की आवाज बुलंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी किसका खेल खराब करेंगे, उस पर भी सबकी नजरें टिकी रहती हैं। इस साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें दक्षिण भारत से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना बचा है। कर्नाटक में करारी हार के बाद 17 लोकसभा और 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बाद कांग्रेस अब तेलंगाना फतह की तैयारी में है। एक तरफ जहां बीजेपी हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का सपना दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले समर्थन से कांग्रेस दक्षिण में अपने दुर्ग को और मजबूत करना चाहती है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनने के बाद से ही यहां की राजनीति और सत्ता पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी का एक छत्र राज रहा है। पहली बार 2 जून 2014 को केसीआर मुख्यमंत्री बने थे। अलग राज्य बनने के बाद 2018 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। 2018 में हुए चुनाव में केसीआर की पार्टी टीआरएस ने 119 में से 88 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था, तो कांग्रेस 19, AIMIM 7, TDP 2, BJP 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। और इस साल तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा चुनाव होना है। केसीआर के पास इस बार लगातार तीसरी बार सीएम बनने का मौका है। साथ ही केसीआर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की असली परीक्षा तेलंगाना चुनाव के दौरान होगी।
देश भर में मुस्लिमों की बात पुरजोर तरीके से उठाने वाले ओवैसी पर बीजेपी जितनी हमलावर रहती है, कांग्रेस भी उतनी ही जी भर कर कोसती है। बीते कुछ सालों में विपक्षी पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बीटी बता रही हैं। ओवैसी की पार्टी पर तोहमत लगाया जाता है, वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का खेल खराब करती है। असदुद्दीन की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना चुनाव के लिए अभी से ताल ठोक रही है। भले ही केसीआर और तेलंगाना को एक दूसरे का पर्याय कहा जाता है, बेशक 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में केसीआर की आंधी चली थी, लेकिन इस बार दो दो मोर्चे पर उनकी पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मोर्चे पर टक्कर मिल रही है। चंद्रबाबू नायडू इन दिनों बीजेपी से हाथ मिलाने को बेताब है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले वो एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो केसीआर को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में केसीआर के लिए अपने किले को बचा पाना आसान नहीं होगा। बहरहाल इन सब के बीच अभी जो सवाल है सबके जहन में बरकरार है कि आखिर किसका होगा तेलंगाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। किसका होगा तेलंगाना की चुनावी सीरीज में आज के दिन तेलंगाना के उन तमाम जमीनी मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे, और इसीलिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। आलोक वस नेता बीजेपी के, रोशन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार माफ करिएगा यहां पर जुड़े हुए, राहुल लाल जी, रत्नेश मिश्रा जो की कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, और अब जानेंगे कि आखिर किस तरह से काम किया है वहां पर बीजेपी ने, कांग्रेस ने, लेकिन आखिर बढ़ता जनाधार कैसे बीजेपी का इस समय तेलंगाना में, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में केवल एक ही सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, ये आंकड़े आपको चौंकाएंगे भी आगे, क्योंकि जिस तेलंगाना में बीजेपी की पकड़ इतनी कमजोर आखिर कैसे मजबूत होती चली गई। 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर वहां पर बीजेपी थी, यानी कि 9 सीट जो थे वहां पर मुकाबला जो है थोड़ी टक्कर का दिखाई दिया था। आगे देखिए, बाकी की ज्यादातर सीटों पर जमानत इनकी जब्त हो गई थी। बीजेपी का वहां पर अगर देखा जाए दबदबा सन 2018 तक कहीं से भी दिखाई नहीं दिया था। 2019 में 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल गई, ये वापसी आप देखिए। इन 4 लोकसभा सीटों के बाद कहा यह जाने लगा कि बीजेपी लगभग 21 से 22 विधानसभा सीटों पर अपनी पैठ बना ली है। आगे अब देखिए, 2 विधानसभा उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। इसके बाद बीजेपी ने अपनी पकड़ वहां पर बनाई रखी है। आगे समझिए, 150 सदस्यीय निकाय चुनाव में 48 सीटों पर जीत। हालांकि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को कंपेयर हम नहीं कर सकते, लेकिन आज जनता का रुझान जो है बीजेपी की तरफ दिखाई दिया है। देखिए, पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का तेलंगाना का दौरा लगातार जारी है। आपने देखा किस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर रही तेलंगाना के मुद्दों को लेकर। पीएम समेत तमाम नेता दिखाई दिए, बीजेपी लगातार हिंदुत्व का मुद्दा वहां पर उठा रही है, लेकिन क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी तेलंगाना में भी कमाल कर पाएगी क्या, क्योंकि सभी राज्यों में तो लगभग यही चला रही है बीजेपी। दक्षिण में जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश है। खैर, ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे नीचे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ होंगे। राहुल जी, हिंदुत्व का एजेंडा, बीजेपी का बढ़ता जनाधार, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या केसीआर को चुनौती मिलेगी क्या वहां पर? केसीआर को चुनौती बहुत तगड़ी मिलने वाली है। देखिए, स्थिति यह है कि केसीआर ने तेलंगाना का एक तरह से तेलंगाना निर्माण के लिए 2001 में ही जो है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बना के वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उनकी लोकप्रियता पूरी कायम रही। हम लोगों ने देखा कि देखिए 2014 में जब प्रथम चुनाव होता है जिसमें कि आंध्र प्रदेश था, तब भी एक तरह से 63 सीटें उनको आती हैं, और 2018 में तो उन्होंने 9 महीना पहले चुनाव करा दिया था। उन्होंने तो 9 महीना पहले चुनाव कराया था, और वो उन्होंने एक तरह से यह माना कि वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग करके लड़ेंगे, तो विधानसभा चुनाव में तो उन्हें लाभ मिल गया, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में वो नुकसान में होगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने बताया, 4 लोकसभा सीटें मिली, तो उसके बाद से भाजपा वहां पे काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक जी, उम्मीदें आपको दिखाई दे रही होंगी, जो हमने अभी ग्राफिक्स दिखाया कि 4 लोकसभा सीटें, फिर उसके बाद निकाय चुनाव में जीत मिलना, लेकिन निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव में जीत मिलना, क्या आप जोड़ रहे हैं क्या इसको विधानसभा से भी? देखिए, ये आपका कहना सही है कि निकाय चुनाव का विधानसभा के चुनाव से बहुत ज्यादा तालमेल, लेकिन वोटर तो वही है जी। इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं, जो आदमी निकाय चुनाव में वोट करता है वही आदमी विधानसभा में भी वोट करता है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं का जो वहाँ की जनता को लाभ मिला है, और जो वीआरएस के द्वारा की गई वहाँ लूटपाट है, अभी देखिए उनकी बेटी कविता का नाम भी ये लिकर स्कैम में आ रहा है, हो सकता है वो बात आगे बढ़े तो कहीं वो अरेस्ट भी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से, और जैसा कि राहुल भाई ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, तो इन सब चीज़ों का अगर फायदा किसी को होगा
और नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, उनके नेतृत्व में लोगों की विश्वास, तो बीजेपी वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और हमें उम्मीद है कि अगर थोड़ी मेहनत और कर दी हमारे वर्कर्स ने और हमारे नेताओं ने, तो शायद हम वहां सरकार भी बना लें। रोशन शर्मा जी भी हमारे साथ। रोशन जी, क्या उम्मीद आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी एक अलग नजरिए से देख रही है हिंदुत्व पर फोकस करना, और वहां के जमीनी मुद्दों को क्या यहां पर आपको नहीं लगता कि पकड़ना जरूरी हो जाता है? कर्नाटक वाली, हिमाचल वाली भूलियां बीजेपी ना करे। रोशन जी, कहते हैं ना कि राह चलने से पहले बाट की पहचान कर लो बटोरे, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि तेलंगाना का जो आधार है वह अस्तित्व में कैसे आया। मैं बतलाना चाहूंगा कि तेलंगाना राज्य की मांग इस देश की आज़ादी के साथ साथ की मांग है। 1940 में इस देश में तेलंगाना के मांग के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। खैर, अंततः 30 जुलाई 2013 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पारित होता है और उसमें तय होता है कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके एक नए राज्य का गठन किया जाएगा जिसका नाम तेलंगाना होगा। फलस्वरूप 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आता है। तो चूंकि जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार राहुल भाई बता रहे थे कि जब कोई पार्टी किसी राज्य से जुड़ी होती है उसके आत्मसम्मान, आन बान शान, स्मिता, जैसे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना में TRS जो कि BRS हो चुकी है, तो ऐसे लोग अपने आप को उस राज्य का पर्याय समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है ना, हम उसके पास सबसे आखिरी पायदान में आते हैं। रत्नेश जी को उम्मीदें ज्यादा है तेलंगाना में, क्योंकि कर्नाटक जी थाली में मिली हुई है, क्यों रत्नेश जी? जी बिल्कुल। देखिए, अभी आप लोग कर्नाटका जीत का जिक्र कर रहे थे, तो हमने कर्नाटक का चुनाव भी भ्रष्टाचार पे लड़ा था, हम तेलंगाना का चुनाव भी भ्रष्टाचार पर लड़ेंगे। अभी एक 796 एकड़ जमीन खरीद का एक घोटाला किया गया, लगभग 1000 करोड़ का वो घोटाला है। उस घोटाले को लेकर हम लगातार तेलंगाना सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये पैसा किसकी जेब में गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया या नहीं गया ये मुझे नहीं पता है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे। और अभी आप कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया, मतलब वहाँ पर क्षेत्र फैल रहा है, परसेंटेज फैल रहा है। इन्हीं के दो नेता हैं, एटाला राजेंद्र और के राजगोपाल रेड्डी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की वहाँ पर रैली होती है, दोनों गायब नहीं जाते, जबकि ये सिटिंग MLA हैं वहाँ से, एटाला राजेंद्र जी। तो इनके संगठन में ये जो झोलझाल चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? दूसरा बिंदु, आपने हिंदुत्व की बात की। देखिए, इस देश को हिंदुत्व के नाम पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने ठगा है भैया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। अमित शाह जी का हिंदुत्व जानते कैसा है? बात करते हैं हिंदुत्व की और अपने भाषण में कहते हैं एक बहुत मतलब नॉर्मल त्रुटि, अगर आप भारत के किसी एक 5 साल के बच्चे से भी पूछ लीजिए ना कि भैया राम के साथ वनवास कौन गया था, तो खुल के गए लक्ष्मण गए थे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री कहते हैं राम के साथ भरत वनवास गए थे, मतलब उनको रामायण का एक मूलभूत ज्ञान भी नहीं है और वो हिंदुत्व की बात कहते हैं। सुनिए तो सर, उसके बाद अरे भैया पढ़े लिखे होते, कहते हैं 12वीं बाद इंटर करके आइए। अरे सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर, अब आ जाते हैं योगी जी के हिंदुत्व पे, हिंदुत्व के तथाकथित चेहरे हैं भैया। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अधिकतर हिंदू हैं, वो बेचारी अपने लिए परमानेंट का सर्टिफिकेट, हमको भैया परमानेंट कर दो, वेतन दे दो, दौड़ा दौड़ा के उन हिंदू आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पीटा गया। ये योगी जी का हिंदुत्व है। महाकालेश्वर कॉरिडोर में जमके घोटाला हुआ, महाकालेश्वर कॉरिडोर में जमके घोटाला हुआ, आपने देखा एक ही आंधी में सारी मूर्तियां उड़ गई, एक ही आंधी में सारी मूर्तियां हो गई उड़ गई। ये है शिवराज सिंह का हिंदुत्व भैया, ये जो फर्जी हिंदुत्व है ना, मूल बात पे रहो। अरे मूल बात कहां पहुंच गए? आप चीज बताइए, आपका एजेंडा हिंदुत्व का है या नहीं? आपके एजेंडे में हिंदुत्व है या नहीं? हाँ या ना? अगर आपके एजेंडे में हिंदुत्व है तो जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ के हिंदुत्व की पोल में बताऊंगा। और अगर आपको अगर एक कविता जैसी नेता को बीजेपी ने जब हरा दिया, तो आपको लग नहीं रहा कि बीजेपी वहां पर पकड़ अपनी मजबूत बनाई हुई है? अरे भैया फिर वही कह रहे हैं, उपचुनाव में भी हम जीत रहे हैं। सुनिए तो, अरे अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपने एक चीज और कही भैया, जो निकाय चुनाव में वोट देते हैं वही लोकसभा में देते हैं। मैं लोकसभा में वोट देता हूँ, निकाय चुनाव नहीं देता। मेरा आप नहीं देते, इसका मतलब सब नहीं देता है क्या? मेरा नगर निगम पर रहिए आप हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, आप हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे आंगनबाड़ी? अरे बिल्कुल बताऊंगा,
हाँ मैं प्रथम खंड में कह दूं, जैसे कभी इटाला राजेंद्र की बात हुई, जिसकी जिसके बात को भी उठाया भी इन्होंने कि वो एक तरह से संगठन में कहीं जो बंदी संजय कुमार है वहां पे, जो एक तरह से कर्नाटक तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको वो हटाना चाह रहे हैं और वो खुद ही जो है वहां पे अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह, तो ऐसे स्थिति में आप अगर तमाम दूसरे नेताओं को अपने तरफ आप शामिल कर रहे हैं तो फिर आप अपने पुराने नेताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे और संगठन में क्या चुनौती दिख रही है? अगर बात करें रोशन जी, ये बीआरएस में तब्दील होने के बाद क्या लग रहा है, इन्हें कुछ फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि देखिए दूरियां बनाना, बड़ी बड़ी बैठकों से विपक्ष से दूरियां बना लेना लगातार निमंत्रण के बावजूद, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं केसीआर साहब। दरअसल अभी आप अगर पिछले एक डेढ़ महीने की घटना को अगर बारीकी से देखेंगे तो अब टीआरएस ने भाजपा के खिलाफ हमला करना बंद कर दिया, कम कर दिया। एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से, आप राज्य संभालिए और फिर लोकसभा में हम आपको मौन समर्थन देंगे। तो ऐसे में नाम बदलने से, कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेने से तथ्य नहीं बदल जाती है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से कमजोर हुई है। और दिल्ली के वसंत कुंज में टीआरएस ने एक बड़ा सा भवन बनाया है अपना मुख्यालय, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अंतिम रूप से इस देश की जनमानस, उसके मन में कहीं ना कहीं चेतना है तेलंगाना के लोगों में कि सोनिया इज द मदर ऑफ तेलंगाना, तो 2023 के चुनाव में कहीं ना कहीं वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस के इकबाल को बुला दे। जो सवाल आपका सागर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, देखिए मैं कह रहा हूँ उनको नुकसान हो रहा है, आपने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाया था और आप भारत राष्ट्र समिति में चले गए, तो जो क्षेत्रीय अस्मिता जिसके साथ भावना जुड़ती वो भी आपने खत्म किया। असल में उनको उम्मीद नहीं थी कि कुछ महीने बाद अचानक से उनका सिचुएशन इतना बुरा हो जाएगा, यानी एंटी इनकमबेंसी फैक्टर उनके लिए इतना हाई है उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने ये चीज सोचा था कि समय के साथ तेलंगाना तो हमारा है ही, यानी वहां के वोटरों को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब हम अपना विस्तार करें। उस पूरे प्रकरण का उन्हें नुकसान हो रहा है, वहां के लोगों से आप बात कीजिए, जो पार्टी एक तरह से मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अब वो अपना नाम भारत मुक्ति मोर्चा कर लिया गया तो उनको झारखंड में एक वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस वहां पे पहले से विपक्षी पार्टी रही है और अचानक से कर्नाटक में उनका सिचुएशन मजबूत हुआ है, बीजेपी पहले से काम कर रही है, तो अब ये निर्भर करेगा कि यहाँ से दोनों अपने संगठनात्मक ढांचा को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और इस लड़ाई को किस मारक क्षमता के साथ ले जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस भी बिल्कुल प्रबल दावेदार है, ये स्थितियां वहां पे बनी है। देखिए सागर जी मुझे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आलोक वत्स जी हैं, एक बड़ी गुपचुप मीटिंग हुई थी आप लोगों ने, केटी रामाराव और अमित शाह की, क्या कुछ उसमें था ऐसा कुछ समझौता हुआ है कि विधानसभा में हमें सपोर्ट करो लोकसभा में करेंगे? आप तो चुप चुप के मुलाकातें करेंगे और फिर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम विपक्ष में। आखिर केटी रामाराव और अमित शाह के बीच ऐसी क्या बात हुई भैया, क्या पिक्चर बनी कुछ? औपचारिक भेंट था, औपचारिक भेंट थी। औपचारिक भेंट ऐसी भी होती है कि भैया उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, जब भेंट होके खत्म हो जाती है उसके बाद पता चलता है। जरूरी है ये औपचारिक भेंट नहीं, जरूरी है ढोल पीट के मिलना। अरे ये कहां लिखा हुआ है? एक प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कहां लिखा हुआ है कि ढोल पीट के मिलना है? अगर किसी से मिलना है तो ढोल पीट के ढोल नहीं पीटना है। अरे ढोल नहीं पीट रहा इसका मतलब कुछ झोल है तभी आपके पास ढोल नहीं है। अगर ढोल पीट के आते तो भैया, अगर मेरे पास सब कुछ खुला है, मैंने कोई चीज जनता से नहीं छुपाई, तो मैं खुल के कहूंगा ना मेरी ये बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब चलता, आपने क्यों नहीं बनाया राज्य? और आप 2002 में 3 राज्यों का गठन कर देते लेकिन तेलंगाना आपसे नहीं बनाया जाता, क्या दुश्मनी थी तेलंगाना के लोगों से? तेलंगाना नहीं, क्या दुश्मनी थी अटल बिहारी वाजपेयी? झारखंड चुनाव, भैया बताइए, अगर हम बात करें 13% जो मुस्लिम आबादी है, दुश्मनी थी आपकी? अगर आप हिंदुत्व का एजेंडा अगर आप लेकर चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है की उन 13% मुस्लिम वोटरों को आप साथ पाएंगे? सर देखिए अभी जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री जी, आलोक जी को स्क्रीन पर लाइएगा जी, पसमांदा मुसलमानों की बात की है, अभी ऐसा नहीं है, अब हम मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार रहे हैं निकाय चुनाव में, हमने उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी टिकट दिया, अब जो उनका वो रुखापन था हमारी तरफ वो खत्म होने की तैयारी में है, तो अब उनका रुख सकारात्मक है हमारी तरफ, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, पूरे देश को मालूम है, लगातार हम लोगों ने इसको चैनलों पर रिपीट किया है। रही बात हिमाचल में, तो वहां 0.9% पर था, वहां भी ये ओटीएस स्कीम वाली चीजें कामयाब हो गई, लेकिन आज वहां की क्या स्थिति है? लेकिन देखिए थोड़ा कम है सर, सागर रीजन की बात कर रहे हैं, आपके लिए एक बिंदु और है, अब भैया मीडिया वाले भी ध्यान दो, कहीं अगर बाहर जा रहे हैं कवरेज करने ना,
तो देखिएगा भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को टारगेट मत करिएगा, नहीं तो नेता आपको मारने के लिए दौड़ा लेंगे। जब बीजेपी में चले जाते हैं तो आप लोग क्या भारतीय जनता पार्टी विचारों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आपको बड़ी विचारों वाली पार्टी सोचिए। कांग्रेस की जिस जिसके घर में इनके एक अनुशंसित संगठन का सबसे बड़ा पदाधिकारी रहा हो उसके घर में कांग्रेस ने अपनी विचारधारा पर कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली है। क्या उस हैदराबाद रीजन का भी बहुत फायदा होगा कांग्रेस पे? अरे सुनिए तो जी, आपके नेता पेपर नहीं आएंगे क्योंकि आपके नेता के खिलाफ होता है बलात्कार हमारे बोल रहे हैं राहुल नहीं करते रत्नेश जी। अरे भूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन्होंने? दो तीन चीजें देखा हम लोगों ने कि अभी जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था आपको याद होगा, गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो कहां से आएंगे भैया? प्रियंका गांधी ने बड़ी सी रैली भी की थी वहां पे, यानी कि जिस दिन चुनाव चल रहा था हम लोगों ने ये चीज देखा कि पहले वो बीजेपी की रणनीति होती थी कि अगर फेज वन का चुनाव चल रहा है फेज टू का प्रचार चल रहा होता था, लेकिन आपने जिस रीजन में कहा उस रीजन में कांग्रेस की बड़ी रैली चल रही थी जिस दिन के चुनाव हो रहे थे कर्नाटक में। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहीं कहीं पूरा ज्यादा कर्नाटक चुनाव प्रचार के साथ साथ एक तरह से हैदराबाद वाले रीजन को तो उसने उसी के साथ काफी कवर करने का पूरा प्रयास किया। रोशन जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बहुत ज्यादा चर्चाएं की हैं शुरू से, कितना असर आपको दिखाई दे रहा है, कितनी सीटों को लग रहा है कांग्रेस साथ लेकर? देखिए सागर जी, इस देश में जिस देश में हर डेढ़ कोस पे पानी और तीन कोस पे वाणी का स्वरूप बदल जाता है उस देश को आप बिना यात्रा किए हुए नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए गांधी आते हैं इंडिया 9 जनवरी 1915 को बंबई के बंदरगाह पे और वहाँ उनकी मुलाकात होती है उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से और गोखले कहते हैं गांधी अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मेरी एक सलाह मानिए और अगले एक साल तक आप कुछ मत बोलिए, अपना मुंह मत खोलिए, इस देश को जाइए, इस देश की गिट्टी मिट्टी इस देश की इकबाल को समझिए। गांधी, आपको यकीन होगा कि गांधी पहली बार फरवरी 1916 में बोलते हैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महामना मालवीय बुलाते हैं। तो गांधी से लेकर चंद्रशेखर से लेकर और राहुल गांधी तक यह जो यात्रा की जो राजनीति रही है इन बिटवीन आंध्र प्रदेश में बात करो यात्रा से फायदा होगा इस देश में यात्रा ना 19 दिन का समय था तेलंगाना में 19 दिन लगभग इस देश में यात्रा का जो इतिहास रहा है लोगों के बीच जाने का जो इतिहास रहा है उसकी तुलना अलौकिक है। वह आपको नेता से स्टेट्समैन की ओर ले जाता है और राहुल गांधी ने अपने यात्रा के माध्यम से कम लोगों को की बात सुनकर एहसास। चलिए देखिए, आपने सुना रोशन जी को, आलोक जी को आपने सुना, राहुल जी को आपने सुना, रत्नेश जी को आपने सुना। 19 दिनों तक जो भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में रही है कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां पर वो कुछ बेहतर कर पाएगी, लेकिन क्या सन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को जो सफलता मिली तेलंगाना में बीजेपी इस साल के आखिरी में जो विधानसभा चुनाव है अपनी जीत में तब्दील कर पाएगी क्या? तेलंगाना चुनाव से पहले कई सुलगते सवाल है, चुनावी सीरीज में आगे भी जारी रहेगा, हम पूछेंगे कि आखिर किसका होगा तेलंगाना।